पहले दोस्ती करेंगे। यस खब्बू है। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बालू भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट YouTube चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, ये जो लड्डू है ये अराउंड 8.5 months के करीब का है। अभी 8.5-9 months के करीब, 9 months आपके ओके मेरे साथ से चलाकी नहीं चलेगी, 9 months का है। और इसका जो साइज है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हाइट है, बहुत बढ़िया लेंथ है, आप देख सकते हैं। और इसने अभी बहुत ग्रो करना है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम जब डॉग को रखते हैं, पेट को रखते हैं, मेरा आने का जो पर्पज है वो तब सॉल्व होता है कि अगर मुझे कहीं कुछ कमी दिखे आपके पेट में तो मैं उसे दूर कर सकूं। अगर उसमें कुछ पर्सनल टिप्स जो है ना वो हमेशा बेनिफिशियल रहते हैं, आप फ़ोन करके मुझे पूछेंगे तो अलग बात है, लेकिन जब मैं पर्सनली देखता हूँ या सामने आप बैठे हैं या मैं डॉग के सामने बैठ के देखा हूँ तो बात कुछ और होती है। दोबारा जब भी मैं दिल्ली आता हूँ आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम। तकरीबन 4-5 महीने के गैप में मैं ज़रूर इसको फिर से एक बार देखना चाहूँगा कि इसकी क्या इम्प्रूवमेंट आई है, इसके हैंड लेग का क्या इशू था। और डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगा लड्डू के साथ। तो हमारे लड्डू भाई साहब हैं, ये रहते हैं सोनीपत में सेक्टर 8 में। और मेरे साथ और मेरे साथ में है मिस्टर शर्मा, इन्होंने मुझसे डॉग लिया था, ये बेबी लिया था, ये 31 दिसंबर बॉर्न है। इसके बाकी भाई बहन भी आपको मिलवाऊंगा, बहुत जल्दी मिलवाऊंगा। ये पहले दिल्ली में रहते थे, अभी ये सोनीपत में शिफ्ट हुए हैं। आज मैंने एक सरप्राइज विजिट दी है इनके घर पे, ये देखने के लिए कि इन्होंने लड्डू को कैसा रख रखा है, उसका कितना ख्याल रख रहे हैं, कितना प्यार करते हैं। और आप यकीन मानिए बहुत अच्छे से रख रखा है। ये 8 months का बेबी है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसकी हैंड लेग्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके लिए मैंने इन्हें कुछ टिप्स दी हैं। आई बिलीव, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिलीव कर रहा हूँ कि जितने प्यार से उन्होंने लड्डू को रखा है उस चीज़ को फॉलो करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शर्मा जी आप प्लीज़ मेरे साथ में आइए, यहाँ आइए, थोड़ा सा अपने रिव्यू दीजिए, आपको मेरे से डील करके कैसा लगा, हमारे से सर्विसेज लेके कैसा लगा, और हमारे से बेबी जो आप लेके आए हैं, ये बेबी भाई साहब जो है कैसी फील हुई बताइए। भाई वर्चू, मैं सीरियसली कहूँ इस चीज़ को कि मैंने बहुत सारे ब्रीडर तलाश किए थे, लास्ट में जाके जो ट्रस्ट एक जगह जमा था वो बालू भंडारी जी में जमा था, और हमने ब्लाइंडली बुक कर दिया था, और आज तक कभी कोई ऐसी दिक्कत हमारे को नहीं आई, ब्रेड में कोई दिक्कत आई हमारे। शर्मा जी, आफ्टर सेल सर्विसेज कुछ मिली हमसे कि नहीं? बहुत अच्छी, जब भी मैंने फोन किया तब भी कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ी है, मेरे को प्रॉपरली गाइड किया है और मेरे को टाइमली हर चीज बताई भी है कि शेड्यूल क्या रहेगा आपका। सो ओवरऑल 100%। थैंक यू सो मच जी। मेरा जो मकसद है, अगर मैंने बोला है बादल भंडारी फैमिली, तो बादल भंडारी फैमिली इस तरह से कि इनके घर पे आया हूँ, मेरे से एक बेबी आया है, इनके साथ में रिलेशन, चाहे बेबी 10 साल जिए, 15 साल, 20 साल जिए, चाहे रहती दुनिया तक रहे, रिलेशन भी मेरा तब तक है जब तक मैं भी हूँ। और ये अपना घर समझ के, मैम कॉफ़ी बनवा रहे थे, अपना घर समझ के मैंने बोला नहीं जी मुझे नींबू पानी पीना है, जनरली ऐसे ही बात राइट मैम, आप प्लीज़ आइए ना बीच में, अपना मैम नहीं नहीं आइए प्लीज़ रिव्यू दीजिए, बेटे आप आओ आइए बताइए, लड्डू के साथ में कैसा टाइम स्पेंड करना, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बताइए कुछ। सब सबके साथ में सब रहता है, बहुत अच्छे से खेलता है और खाना पीना भी अच्छा है। और मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा कि पठानकोट से भंडारी जी यहाँ व्हाइट लिली अपार्टमेंट में आए, ये मेरे लिए बहुत ग्रेस की बात है। थैंक यू सो मच। और मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करने वाला भी लड्डू है और भंडारी जी को बुलाने वाला भी लड्डू है, हमें बहुत खुशी की बात है। आप यकीन करेंगे मैं आज फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहा हूँ, इनकी डिलीवरी यहाँ पे मैंने भिजवाई थी, अपना आदमी भेजा था डिलीवर करने के लिए, जो देखे गया था फोन पे, बहुत बारी बात हुई, लेकिन आज फेस टू फेस मिलना या पर्सनली मिलना, दैट इज आई एम रियली फीलिंग ग्लैड। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली में ही अपने फैमिली मेम्बर के पास ही आ रहा हूँ, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मेरे लिए क्या हो सकती हैं। साईं की ब्लेसिंग्स रहेंगी, दोबारा फिर मिलेंगे, नया वीडियो बनाऊंगा नए सज्जन के साथ में, नए डियर पर्सन के साथ में, हैप्पी क्लाइंट्स की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, हमारे पेट्स पे, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।